सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार वेलकम है। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिजीज कंट्रोल के बारे में, यानी कि एंट एंड लीफोपर, यानी कि जो इल्ली होता है उसके बारे में। ये हमारा प्लांट को कैसे डैमेज करता है कि हमारा जो भी प्लांट है उसका ग्रोथ स्लो हो जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि उसको कैसे कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है, अगर आपको हमारा द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। कोई भी जो प्लांट है उसमें जो भी डिजीज़ है वो दो प्रकार से आती है। एक है कि जो उस प्लांट का नेचुरली आता है, यानी कि ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में हमारा जो भी है कि फंगस, सनबर्न, इस तरह की जो डिजीज़ है ये नेचुरली आता है। और दूसरा है वो डिजीज़ जो कि इंसेक्ट यानी कि पेस्ट के द्वारा लाई जाती है, जैसे कि एंट हो गया और लीफोफर हो गया। लीफोफर यानी कि जो भी पत्ता खाने वाली इंसेक्ट यानी कि पेस्ट होता है। तो ये सब पेस्ट जो भी होता है ये आपका ड्रैगन फ्रूट प्लांट में जो भी ग्रोथ होता है इसको स्लो डाउन कर देता है। जो भी प्लांट का एज यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग है जहाँ से ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है, वो पेस्ट क्या करता है, वो ऊपर वाला उस हिस्से को खा लेता है या फिर वहाँ से रस चूस लेता है, जिससे कि जो भी आपका वहाँ से ग्रोथ कंटिन्यू होने वाला था वो पॉज हो जाता है। और पॉज हो जाने के बाद वहाँ से एक जुड़ाव की तरह होता है और फिर उसमें से आपका प्लांट जो है 10 से 15 दिन पीछे चल जाता है। इसको कंट्रोल में लेने के लिए सबसे पहला जो नेचुरली प्रोसेस होता है उसके बारे में बात करते हैं। नेचुरली ये जो भी है एंट और ग्रास हॉपर, ये सब जो भी खरपतवार होता है आसपास के एरिया में, तो वहीं पे लोग रहता है। तो आपको सबसे पहला काम करना है, जो वहाँ पे भी आप ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन किया है उसका 1-1.5 फुट का रेडियस में कम से कम, जहाँ पे कि आपका खाद है वहाँ पे तो घास नहीं उगने देना है। अनवांटेड जो भी खरपतवार होगा उसको आपको निकाल देना है, और उसके साथ आसपास का जो भी एरिया है वो पूरा खरपतवार लेस होगा तो इसका अटैक थोड़ा कम रहता है। लेकिन हर बार ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन पे, जैसे कि 1-1.5 एकड़ की ज़मीन पे ये किसान लोग लगाते हैं, तो ये सब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस रहता है, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। क्या होता है कि हमेशा नेचुरली या फिर ये जो भी आपका बायो का प्रोडक्ट होता है इससे ये कंट्रोल नहीं होता है, तो हमको बस इसी चीज़ में कभी कभी जो है केमिकल में जाना पड़ता है। तो अभी हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या दवाई यूज़ करते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले अगर आप नेचुरली यानी कि बायो में अगर आप जाना चाहते हैं तो नीम ऑयल आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन होगा। ये जैसे ही आप छिड़काव करते हैं ये क्या करते हैं कि आपका जो भी प्लांट है उसको बिटर बना देता है, और जिसमें क्या होता है कि जो कोई भी पेस्ट है वो आपको प्लांट में बैठना पसंद नहीं करते हैं। तो ये नीम ऑयल जो है ये आपको 3 ml पर लीटर वाटर में लेना चाहिए, और इसको स्प्रे में आप ले सकते हैं। और इसका सेकंड सॉल्यूशन है, जब भी आप ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन करने वाले हैं तो जब भी आप प्लांट में प्लांट के लिए सॉइल प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एंट को भगाने के लिए आप पाउडर फॉर्म में जो क्लोरोफायरीफॉस मिलता है या फिर जो भी गैमॉक्सिन मिलता है उसको आप यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि एंट जो है वो ज़्यादातर जो भी गोबर का खाद होता है उसमें रहता है, तो इससे क्या होता है कि वो भाग जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर जो भी आप बोल सकते हैं पेस्टिसाइड के बारे में।
हमारा फील्ड पे जो बेस्ट रिजल्ट दिया है, यानी कि हमको जो बेस्ट रिजल्ट मिला है वो धनुका कंपनी का जो आतंक नाम का एक इंसेक्टिसाइड है उससे मिला है। आप नाम या फिर कंपनी के नाम पे ना जाते हुए इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उस पे जाइए, जो कि है कार्बोसल्फान 25% EC। ये जो भी केमिकल कंपोजिशन है ये आप जो भी फर्टिलाइजर शॉप है जाके उसमें बोलिए, कोई भी दूसरा कंपनी का दूसरा नाम से भी आपको मिल सकता है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे ही आप इसको प्लांट में छिड़काव करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये पत्ते में सोक कर लेता है, यानी कि पत्ते के अंदर ये रहता है। और जैसे ही आपका जो भी पत्ता खाने वाला या फिर पत्ते से रस चूसने वाला जो भी पेस्ट रहता है वो जैसे ही इसको खाता है तो क्या करता है, ये जो भी इंसेक्टिसाइड है ये उसका नर्वस सिस्टम में जाके डायरेक्ट अटैक करता है और इसको मार देता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में जानकारी। और इसको आप कितनी मात्रा में ले सकते हैं, तो इसको आप जो है 2 ml पर लीटर की वाटर में आप लेके इसको स्प्रे में ले सकते हैं। इसी तरह की और एक इंसेक्टिसाइड के बारे में बात कर लेते हैं जिसका भी रिजल्ट हमारे फील्ड में बहुत अच्छा आया था। तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो है इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG। यहाँ पे SG का मतलब होता है सॉल्यूबल ग्रैनुल्स। तो ये जो इमामेक्टिन बेंजोइट 5% SG है ये एक नॉन सिस्टेमेटिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, यानी कि जैसे ही आपका जो भी इंसेक्ट है या फिर पेस्ट है इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो इससे ये इफेक्ट होकर मर जाता है। ये आपको तरह तरह की कंपनी के नाम पे मिलता है, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी की प्रोक्लेम नाम से मिल जाता है, नागार्जुना कंपनी का ट्रस्ट के नाम पे मिल जाता है। तो ये तो हो गया कंपनी का नाम। और ये इसका डोज क्या रहता है, ये 8 ml आप 15 लीटर टैंकी में लेके इसको यूज़ में ले सकते हैं, इसका भी रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये सब जो भी दवा के बारे में अभी हमने बात की है, इसको जब भी आप यूज़ में लेंगे तो कुछ आपको सावधानी भी रहनी चाहिए। तो ये सब सावधानी के विषय में मैं बता देता हूँ, ये सबको कभी भी दूसरे दवाई के साथ, कोई भी दूसरा टॉनिक के साथ मिला के इसको यूज़ में मत लीजिए, क्योंकि हमने तो कभी लिया नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको सावधान रखने के लिए बोल रहे हैं कि आप इसको दूसरे दवा के साथ ना मिलाइए। और दूसरा है कि इसको हाई टेम्परेचर में यूज़ में मत लीजिए, जब हाई टेम्परेचर है यानी कि दोपहर के टाइम में तब यूज़ में इसको मत लीजिए, या फिर जब भी आपका फ्लावरिंग स्टेज है तो उसमें मत लीजिए। क्या होता है कि कभी कभी ये जो आपका फ्लावर है इसका ड्रॉपिंग का इशू को आपको बढ़ा देता है। तीसरा है, ये जो भी हम इंसेक्टिसाइड के बारे में बात किए ये सब क्या करता है कि जब शाम हो जाता है, यानी कि जब शाम का टाइम आता है तो ये सब पत्ते के ऊपर बैठता है और पत्ते को खाता है या फिर पत्ते से रस चूसता है। तो इसके लिए इसको आप जैसे ही शाम होने वाला है उस टाइम पे स्प्रे करेंगे तो इसके लिए दी बेस्ट है। और चौथा है कि जब भी आप इसको स्प्रे में लेने वाले हैं तो वेदर फोरकास्ट एक बार चेक कर लीजिए, क्या कि 24 से 36 आवर्स तक बारिश नहीं होगा तो इसका दी बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये आप जो अभी देख रहे हैं ये हमारा जो बड़े फार्म है जिसका एज फिलहाल अभी 13 से 14 महीने के बीच में है, तो उसमें आप देख रहे हैं जो भी लीफ ऑपर है, जो भी पत्ता खाने वाला इंसेक्ट होता है वो हमारा प्लांट को कैसे डैमेज करता है। हमेशा ये जो भी खरपतवार भी रहता है इसको भी कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक टाइम प्रोसेस है और टाइम टेकिंग प्रोसेस में जो है कि हर आदमी हमेशा फील्ड में नहीं हो सकता है और हमेशा लेबर भी नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको मैं जो भी इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड के बारे में बात किए वो सब आप यूज़ में ले सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने से भी जो कोई भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं उसमें से करीब 90% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग हमारे वीडियो देखते हो लेकिन बिना सब्सक्राइब करके ही निकल जाते हो, फिर बाद में आपको अगर ड्रैगन फ्रूट के या फिर और कोई भी आप सब्जी वर्गीय फसल कर रहे हैं तो उसके ये सब प्रॉब्लम आता है, तो आपको लगता है कि
फलाना आदमी का वीडियो देखे थे, उसमें इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक था, तो फिर आप हमारे चैनल का नाम या फिर लोगो कुछ भी सर्च करने की कोशिश करते हो लेकिन आपको ये मिलता नहीं है। तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन ये हमको अंदर से एक मोटिवेट भी करता है। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि मेनली इसमें हम लोग जो है ड्रैगन फ्रूट के रिलेटेड ही ज़्यादातर वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।